जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका बहुत ही खास वीडियो में। इस वीडियो में हम दोस्तों डिस्कस करेंगे अवध विश्वविद्यालय के बीएड फर्स्ट ईयर के एक कंप्लीट यूनिट को। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, आपके फर्स्ट ईयर की। ओके, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सब्जेक्ट नॉलेज एंड करिकुलम, आप इसको कहते हैं नॉलेज एंड करिकुलम, जो आपका पहला पेपर है उसका चौथा यूनिट हम देखेंगे। ये आपका यूनिवर्सिटी का सिलेबस है बच्चों। ठीक है, आपके चौथे यूनिट की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो आपका चौथा यूनिट क्या है इसको ज़रा ध्यान से देखिए, फिर इसको हम कंप्लीट यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। तो आपका चौथा यूनिट है बच्चों कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम। ठीक है, अब इसमें तीन पॉइंट्स आपको पढ़ना है। पहला क्या पढ़ना है आपको, पहला पढ़ना है करिकुलम के बारे में। करिकुलम को हिंदी में कहते हैं पाठ्यक्रम। ठीक है, और उसके बाद कॉन्सेप्ट, करिकुलम का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि पाठ्यक्रम की अवधारणा क्या होती है, पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है और पाठ्यक्रम कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है बच्चों प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, करिकुलम को बनाने के लिए कितने प्रिंसिपल्स होते हैं, कितने सिद्धांत होते हैं, उसकी व्याख्या करनी है, उसको पढ़ना है। और तीसरा है बच्चों इस यूनिट का लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक, एक अच्छे पाठ्य पुस्तक की, पाठ्य वस्तु की कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं क्या होती हैं। ये तीन सवाल है दोस्तों, यकीन माने मैं आपको अगर पिछले 6-7 साल के क्वेश्चन पेपर दिखाऊं तो ऐसा कोई साल नहीं गया जहां से इस यूनिट से आपको कम से कम 10 से 12 नंबर के प्रश्न यहाँ पे आपके न आए हों, और कभी कभी तो 15 और उससे भी ज़्यादा भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें सवाल कैसे पूछे जाते हैं उस एक नज़र उस पर डाल लीजिए, सवाल आपसे कैसे पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो देखिए, 2 नंबर के सवाल आपके सेक्शन ए में जो आपसे पूछे जाएंगे वो कन्फर्म इसी से पूछे जाएंगे कि पाठ्यक्रम की अर्थ या परिभाषा बताने के लिए। ठीक है, या उसकी कोई विशेषता बताने के लिए। ठीक है, सेक्शन बी में जो आपके सेक्शन बी के आपके 8 नंबर के जो सवाल पूछे जाते हैं वो क्या पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि पाठ्यक्रम के अर्थ परिभाषा उद्देश्यों की विशेषता व्याख्या कीजिए, या पाठ्यक्रम के केवल टाइप से पूछ लेगा। और दोस्तों ये जो सवाल है कि एक अच्छे पाठ्य पुस्तक की विशेषता, ये भी आपसे अथवा में पूछ सकता है। तो कम से कम 2 सवाल आपसे जरूर यहाँ पे आएगा, लेकिन आपको एक ही करना है। तो आपके 8 नंबर के सवाल तो जरूर आएंगे आपके सेक्शन बी में इस यूनिट से, और एक सवाल 15 नंबर में अगर सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो कई बार रिपीट होता है कि एक पाठ्यक्रम प्रिंसिपल्स, पाठ्यक्रम के कंस्ट्रक्शंस की, पाठ्यक्रम के निर्माण के किस क्या सिद्धांत होते हैं, इसकी व्याख्या करना। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में, इन सारे प्रश्नों को देखेंगे। जितने भी प्रश्न आपके पिछले 5-6 साल में जिस तरीके से आप उसे पूछे गए हैं वो आप आसानी से उससे कर लेंगे, और आपके एग्जाम्स में भी जो भी आए हैं वो भी आप आसानी से कर लेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं अवध विश्वविद्यालय राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के बीएड बच्चों। जी हाँ, किसकी हम बात करें, बीएड फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें। और आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, आपका सब्जेक्ट रहेगा पेपर 1, जिसको हम कहते हैं नॉलेज एंड करिकुलम का 4th यूनिट, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम। सो आप सभी का स्वागत है, आइए शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। पाठ्यक्रम देखिए दोस्तों, पाठ्यक्रम किसको कहते हैं, पहले पाठ्यक्रम को समझ जाइए। पाठ्यक्रम अंग्रेजी, पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में करिकुलम कहते हैं। और करिकुलम क्या है, करिकुलम आपका लैटिन भाषा के क्यूरेरे शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। ठीक है, इसको रेस कोर्स कहते हैं, रेस कोर्स यानी कि दौड़ का मैदान कहते हैं। अब जिस तरीके से एक धावक जो है होता है वो अपनी लाइन में ही दौड़ सकता है, ठीक है, उसके लिए ये क्या बनी है, उसके लिए एक रेस कोर्स बना है, एक दौड़ का मैदान बना है। कोई चाहता है कि भैया हम लाइन छोड़ के हम उल्टा दौड़ेंगे या इधर दौड़ेंगे, तो वो नहीं दौड़ सकता। अच्छा, क्यों करिकुलम को ये कहा गया है, तो करिकुलम वास्तव में आपको एक रूपरेखा बनाती है, आपको एक परिधि बनाती है, आपको एक एरिया क्राइटेरिया बनाती है कि इसके अंतर्गत ही आपकी जो भी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं वो होंगे। जैसे कि आपको सुबह कितने बजे स्कूल आना है, आपका लंच कितने बजे होगा, आपकी छुट्टी कितने बजे होगी, आपका पहला लेक्चर कितने घंटे का होगा, दूसरा लेक्चर कब होगा, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा, आपका करिकुलम ही डिसाइड करेगा। इसके अलावा भी आपकी जब छुट्टी होगी तो आपके कितने दिन की छुट्टी होगी, ठीक है, आपको होमवर्क में कितना देना है, और आपके छुट्टियों में कभी कभी आपको ट्रिप कराया जाता है, टूर कराया जाता है, स्काउट गाइड कराया जाता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो आपके करिकुलम का ही हिस्सा होती हैं, वो आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। करिकुलम में अगर आपसे ये पूछता है करिकुलम के, देखिए कई बार तो ये भी सवाल आपसे पूछ लेगा कि करिकुलम का शाब्दिक अर्थ बताइए। शाब्दिक अर्थ मतलब लिटरली मीनिंग की बात करें तो आप आसानी से लिखिए कि करिकुलम का शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो करिकुलम को, करिकुलम
लैटिन भाषा के क्यूररे से बना है, जिसका अर्थ होता है रेस कोर्स या दौड़ का मैदान। ठीक है, रेस कोर्स या दौड़ का मैदान अभी करना है। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं वो आप अपने शब्द से भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि जिस प्रकार से धावक अपने रेस कोर्स के अंतर्गत रह के अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है, किसी ठीक उसी प्रकार पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम वह मार्ग है, वह दिशा निर्देश करता है जिसके अंतर्गत रह के विद्यार्थी अपने शैक्षिक जीवन जीता है, अपने शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करता है, शिक्षा के ज्ञान को प्राप्त करता है। समझ में आ गई बात? तो देखिए, एक्सप्लेनेशन आप अपने शब्दों में आसानी से करेंगे। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो मनोवैज्ञानिकों ने, महान वैज्ञानिकों ने इसे कैसे डिफाइन किया, अगर हम इसकी बात कर लें तो आइए जरा देखते हैं। तो वाटर सी के अनुसार इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि पाठ्यक्रम वे समस्त अनुभव सम्मिलित हैं जिनको बालक विद्यालय के निर्देशन में प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत कक्षा कक्ष की क्रियाएं तथा उसके बाहर समस्त कार्य एवं खेल सम्मिलित होती हैं। अब आपका खेल हो गया, स्कूल आना कब है, जाना कब है, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कई बार हम कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि पाठ्यक्रम का मतलब हमारा सिलेबस, सिलेबस में आपको पढ़ना क्या है ये डिसाइड करता है, कितना पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, कितनी अवधि तक पढ़ना है, ये सब आपका करिकुलम डिसाइड करता है। कनिंगम जी ने बहुत ही अच्छा डेफिनेशन दिया था, इन्होंने क्या कहा था, जैसे मान लीजिए कि एक कलाकार है, ठीक है, तो कलाकार क्या करता है, अपनी औजारों से, अपने टूल्स की मदद से एक बेहतरीन चित्र बनाता है। ठीक उसी प्रकार करिकुलम क्या है, करिकुलम एक शिक्षक के लिए एक औजार है, एक टूल्स है जिसकी मदद से वो एक बेहतरीन विद्यार्थी बनाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से पाठ्यक्रम, जैसे पाठ्यक्रम क्या है, कलाकार मतलब अध्यापक के हाथ में एक ऐसा साधन है जिससे वह शिष्यों को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपनी चित्रशाला यानी विद्यालय में चित्रित करता है, यानी कि उसको बनाता है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे बहुत ही अच्छा कनिंघम जी ने इसका डेफिनेशन दिया था कि जिस प्रकार से एक कलाकार अपने औजारों के माध्यम से अपने आदर्शों के अनुसार चित्र बनाता है, ठीक उसी प्रकार पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम एक शिक्षक के हाथ में साधन है जिससे वो शिष्यों को अपने आदर्श और उद्देश्यों के अनुसार विद्यालय में चित्रित करता है, उनका चरित्र का निर्माण करता है, उनको बनाता है। तो कनिंघम जी ने बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे डेफिनेशन दिया है। तो आप इस तरीके से कई बार आपसे दो नंबर में केवल डेफिनेशन पूछ लेगा कि पाठ्यक्रम को परिभाषित करिए। ठीक है, कि पाठ्यक्रम को परिभाषित करिए। दो तीन और डेफिनेशन देख लेते हैं, जो भी आपको आसान लगे आप उसको याद कर लीजिएगा। जैसे मुंद्रो जी ने कहा था कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत वह समस्त अनुभव आते हैं जिन्हें शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षालय में प्रयोग में लाया जाता है। समझ में आ गई बात? चलिए, फ्रॉबेल ने कहा था कि पाठ्यक्रम को मनुष्य जाति की संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझना चाहिए, इन्होंने कहा था। और टी पर्सिनन ने कहा था कि पाठ्यक्रम से तात्पर्य वह क्रियाएं के वे विभिन्न रूप जिनके द्वारा मानव आत्मा की भव्य अभिव्यक्ति होती है तथा जिनका इस व्यापक विश्व के लिए सर्वाधिक एवं अस्थायी महत्व होता है। तो आपको जो भी इसमें अच्छा डेफिनेशन लगे आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिना किसी के संकोच के, और आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके बेहतरीन से परिभाषा। ठीक, आपने अभी तक पाठ्यक्रम की अर्थ देख ली, पाठ्यक्रम की परिभाषा देख लिया, अब आइए पाठ्यक्रम के आधारभूत सिद्धांत। ठीक है, द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, कि आप जब किसी पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो आप किन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार इससे सवाल पूछे गए हैं। जब आप पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे तो आपको कुछ सिद्धांतों को अपने ध्यान में रखना है, उन सिद्धांतों के बारे में बताइए। तो पहला है दोस्तों, आप जब भी कोई पाठ्यक्रम बनाएंगे तो उसमें पहला सिद्धांत है भाई उपयोगिता का सिद्धांत, कि उस, इसको कहते हैं कि द प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी, कि उसका उपयोग क्या है। ठीक है, कि उस पाठ्यक्रम क्यों बनाया जा रहा है। तो टी पर्सिनन के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत कि उसकी उपयोगिता का सिद्धांत है। ठीक है, पाठ्यक्रम यथासंभव जीवन के लिए उपयोगी विषयों का समावेश किया जाए, जीवन के लिए उपयोगी विषय आकर्षक होते हैं और शिक्षा के महत्व को बढ़ाते हैं, जो पाठ्यक्रम बालक एवं समाज के जीवन को कोई लाभ नहीं पहुँचाता वो व्यर्थ है। तो आप जब भी कोई पाठ्यक्रम बनाएं तो आपको इस बात का ख्याल रहे कि उसका उपयोग क्या है। तो पहला क्या है, उपयोगिता का सिद्धांत। दूसरा है दोस्तों, प्रगतिशील एवं अर्घदर्शी सिद्धांत। अब हम इनको व्याख्या करते हुए चलेंगे वन बाय वन, अगर लाइन वाइज पढ़ना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़िएगा, बाकी मैं इसका पीडीएफ तो टेलीग्राम में जरूर दे दूंगा। प्रगतिशील एवं अर्घदर्शी का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ, कि आपके ऐसे पाठ्यक्रम बने जो आपके सिद्धांत पर विचार करते हुए कहा जाता है कि समाज की वर्तमान तथा भविष्य संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण ध्यान रखकर किया जाना चाहिए। आप अभी वर्तमान हैं, कुछ चीज़ें अभी वर्तमान है लेकिन भविष्य में हो सकता है उसकी अस्तित्व खत्म हो गए। अगर आप मान लीजिए किसी बच्चे को आप हमेशा पढ़ाते थे कि साइकिल साइकिल साइकिल, लेकिन आज साइकिल का ज़माना नहीं, आज कार्स का ज़माना है, मोटर कार्स का ज़माना है, बसेस, ट्रेनेस, प्लेन, रॉकेट, क्या क्या चीज़ें हैं,
तो हमारा पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बच्चों को प्रगतिशील, बच्चों को आगे बढ़ाए, अर्गदर्शी, आगे की ओर लेके चले। तो आप ऐसे ऐसे आप क्या करेंगे, पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे, ठीक है, कि आप इस शिक्षण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वो प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति बने, आगे की तरफ बढ़े, प्रोग्रेसिव बने, ठीक है। उन्हें इस प्रकार के विचार, ज्ञान तथा दृढ़ इच्छा शक्ति प्रदान करें जिसके द्वारा वो अपने वातावरण को अपने अनुकूल बना ले तथा वातावरण से तालमेल स्थापित कर ले। तो इस तरीके का आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए। समझ आ रहा है दोस्तों? तो इस प्रकार से ये आपका दूसरा सिद्धांत हो गया। तीसरे सिद्धांत की बात कर लेते हैं, अब इसको फिर एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। रुचि रुझान योग्यता एवं क्षमता का सिद्धांत, ठीक है। तो रुचि का सिद्धांत, अब मान लीजिए आप पाठ्यक्रम में आप बच्चों के रुचि का भी ख्याल रखेंगे, ठीक है। बच्चों की रुचि, उनको कभी कभी खेल, उन खेल के लिए भी समय देना, ड्राइंग्स के लिए भी समय देना, कहीं घूमने फिरने के लिए भी समय देना, रुझान की कि बच्चे किस तरीके के चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, और योग्यता का मतलब कि बच्चों की योग्यता क्या है, उनकी क्षमता क्या है, उसके अनुसार आप चीज़ों को रखेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि हम ऐसा करिकुलम बना दें कि छोटे बच्चों के लिए बड़ा सा कार्य दे दें या फिर कुछ ऐसा कार्य दे दें कि उनको इंटरेस्ट ही ना हो। तो हम जब भी पाठ्यक्रम का चुनाव करेंगे या पाठ्यक्रम चयन करेंगे, पाठ्यक्रम निर्माण करेंगे, तो उसमें हम रुचि रुझान योग्यता और क्षमताओं को भी ध्यान में रखेंगे। यही है बच्चों रुचि रुझान योग्यता एवं क्षमता का सिद्धांत, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्रियाशीलता का सिद्धांत और बालक केंद्रित पाठ्यक्रम। हालांकि मुझे बालक केंद्रित पाठ्यक्रम को सबसे पहले रखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये पांचवें नंबर में है, कोई गलत नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले देखते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत का मतलब। क्रियाशीलता का मतलब बच्चों की आपका पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें बच्चों को क्रिया करने का अवसर प्रदान करे। ऐसा तो नहीं कि हम बच्चों को बस रटने, होमवर्क करने, लिखने या याद करने पे ध्यान दे रहे हैं। नहीं, पाठ्यक्रम का चयन क्रियाओं तथा अनुभव के आधार पर होना चाहिए। पाठ्यक्रम शारीरिक मानसिक क्रियाशील के अवसर अवश्य प्रदान करे। क्रियाशील पाठ्यक्रम केंद्र भी होना चाहिए कि बच्चों को एक्टिविटीज़ का अवसर प्रदान करे, बच्चों को कुछ क्रियाशील काम करने के लिए भी कहे। हमें ऐसे पाठ्यक्रम का क्या करना है, निर्माण करना है, और हमें ऐसे पाठ्यक्रम का क्या करना है, चयन करना है। हमारा जो और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो था कि हमें यहाँ पर बालक केंद्रित पाठ्यक्रम, बालक केंद्रित पाठ्यक्रम से कई बार सवाल पूछे जाते हैं, और इसके विपरीत होता है शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम। तो बालक केंद्रित पाठ्यक्रम का मतलब हम जब कोई पाठ्यक्रम का निर्माण करें तो उसमें हम बालक को केंद्र माने, ठीक है। बालक की रुचि, बालक की क्षमता, बालक की इच्छा, बालक के अनुसार हम जब पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो हम उसको बालक केंद्रित कहते हैं। इसमें हमें बालक को फोकस में रखना हुआ है, ठीक है। इसके विपरीत क्या था, इसके विपरीत होगा शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम। हालांकि इसमें यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन ये भी होता है कि जब हम शिक्षक को ध्यान में रख के पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो उसे शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम को कहते हैं। दोस्तों दो पॉइंट और रह गए, इसमें से पहला देख लीजिए, लचीलेपन का सिद्धांत। ये कई बार आपसे यही पूछ लेगा कि पाठ्यक्रम के निर्माण में लचीलेपन के सिद्धांत की व्याख्या करिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछे, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो लचीलेपन की अगर हम सिद्धांत की बात करें तो लचीलेपन का सिद्धांत क्या होता है। लचीलेपन का सिद्धांत का मतलब आप एक ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करें जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल का मतलब इतना कठिन ना हो, इतना रीड कि कोई बच्चा कर ना पाए, और इतना फ्लेक्सिबल ना हो कि बच्चे उसको सीरियसली ना लें। जैसे किसी बच्चे को कब स्कूल आना है ये फिक्स हो, लेकिन इतना ना फिक्स हो कि भैया एक मिनट लेट हो गया तो उसको बाहर कर दीजिए, और इतना भी ढीला ना हो कि बच्चे जब चाहे तब आ रहे हैं, ठीक है। तो पाठ्यक्रम को कठोर ना होकर लचीला होना चाहिए, उसमें उपस्थित समय अथवा आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन की गुंजाइश होनी चाहिए। लचीले पाठ्यक्रम द्वारा ही बालक के व्यक्तिगत भेदों का उपयोग संभव है। शिक्षकों को पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार सुधार या परिवर्तन करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपको समय समय पर थोड़ा सा परिवर्तन भी करने की ज़रूरत है। अब ऐसा नहीं कि आपका क्लास 9 बजे से लेके 4 बजे तक चल रहा है तो गर्मियों में भी आप 9 बजे से चलाएं, या फिर आपका पाठ्यक्रम सुबह 6 बजे से चल रहा है तो सर्दियों में भी आप 6 बजे बुला लें तो कोहरा रहता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी आपके करिकुलम के अंतर्गत होनी चाहिए, ठीक है। इसी का मतलब यही है। सार्वजनिक विकास का सिद्धांत, उसके बाद ये पाठ्यक्रम के जो सिद्धांत है वो यहाँ पे समाप्त होंगे। और अगर आप इन चीज़ों को समझ गए ना, यकीन माने आपके बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी और बहुत अच्छा नंबर आपको आने वाला है। तो सार्वजनिक विकास का सिद्धांत, तो आप सबको बताया कि आपका पाठ्यक्रम जो करिकुलम है ऐसा होना चाहिए जिसमें आपके कंप्लीट ओवरऑल डेवलपमेंट हो। आपकी एक्टिविटीज़, जैसे कि आपका कहते हैं संज्ञानात्मक विकास, बुद्धि का भी विकास हो, शारीरिक विकास हो, मन का विकास हो, तो इन सारी चीज़ों के विकास के अनुसार आपका सार्वजनिक विकास कंप्लीट ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए आपका करिकुलम होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गए? चलिए बहुत अच्छा, अब यहां तक समझ में आ गया तो दो तीन और पॉइंट बचे हैं, उसके बाद आपका पूरा ये यूनिट कंप्लीट होगा। आइए उस पर जरा नजर डाल लेते हैं। अब देखिए, पाठ्यक्रम के प्रकार की बात करें तो पाठ्यक्रम कितने प्रकार के होते हैं। पहला, विषय केंद्रित या अध्यापक केंद्रित। अब हम इसको यहीं पे एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे।
जैसा कि मैंने बताया बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में हम बालक को केंद्र मान के, बालक को प्रमुख मान के हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। और पाठ्यक्रम के प्रकारों की बात करें तो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम एक ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें विषय केंद्रित हो, उसमें हम बालक की रुचि क्षमता और की उपयोगिता आवश्यकता को ध्यान में नहीं रखते हैं। हमें विषय वो पढ़ाना है तो हमें विषय वो क्या करना है रखना पड़ेगा, तो वो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम कहलाता है। उसी को हम अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहते हैं, सब्जेक्ट सेंटर्ड या टीचर सेंटर्ड करिकुलम कहते हैं। दूसरा दोस्तों बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, हमने जैसा बताया कि बालक को केंद्र में मानकर जब आप पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो बालक केंद्रित पाठ्यक्रम कहलाता है। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम मतलब जहाँ पे एक्टिविटीज बेस्ड हो, एक्टिविटीज़ को ज़्यादा ध्यान में रखा गया है, टास्क को ज़्यादा ध्यान में रखा गया है, तो दिस विल नोन एज अ टास्क सेंटर्ड करिकुलम या क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम। उद्देश्य केंद्रित पाठ्यक्रम, अच्छा कुछ कुछ पाठ्यक्रम ऐसे होते हैं जो किसी पर्पज़ के लिए बनाया जाता है, किसी स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको लैंग्वेज सीखना है तो आपकी लैंग्वेज सीखने के लिए अलग करिकुलम बनाया जाएगा, तो आपको उस उद्देश्य के लिए, वो उद्देश्य आपके प्राप्त होते ही वो करिकुलम का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वापस आप अपने स्कूल्स में आ जाएंगे। तो इस प्रकार के पाठ्यक्रम को क्या कहते हैं, इस प्रकार के पाठ्यक्रम कहते हैं उद्देश्य केंद्रित पाठ्यक्रम। अच्छा अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम एक्सपीरियंस केंद्र, और ये एक्सपीरियंस और या क्रिया केंद्रित बहुत हद तक संभव है। इसमें भी यही चीज़ें कहा जाता है कि बच्चों को सेल्फ स्टडी, सेल्फ क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्टिविटी मतलब स्वतः करके उनको अनुभव प्रदान करने दीजिए। इस तरीके के पाठ्यक्रम को क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम कहते हैं। सुसंबंध कोरिलेटेड पाठ्यक्रम, कोरिलेटेड पाठ्यक्रम का मतलब आपका एक ऐसा पाठ्यक्रम जो कि और भी विषयों से संबंध रखता हो, ठीक है, एक ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें और भी विषयों के लिए जगह हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, ये सारी चीज़ों को लेकर चले कोरिलेटेड पाठ्यक्रम, और आपके विषय में जो पढ़ाया जाए वो जैसे फिजिक्स बहुत हद तक मैथ और दोनों की सिमिलैरिटी होती है, केमिस्ट्री की भी और बहुत सारी चीज़ों की सिमिलैरिटी होती है फिजिक्स से, तो ये दो इस प्रकार के करिकुलम क्या कहलाते हैं, इस प्रकार के कहलाते हैं कोरिलेटेड यानी कि सुसंबंध। कोर पाठ्यक्रम और एकाकृत पाठ्यक्रम, कोर पाठ्यक्रम का मतलब जैसे कि इसमें आपका बीएड में नॉलेज एंड करिकुलम आपका क्या है, कोर सब्जेक्ट है, इसे कोई छू नहीं सकता, इसे कोई हटा नहीं सकता, ठीक है। तो कोर पाठ्यक्रम मतलब ऐसे पाठ्यक्रम जो कि आपको करना ही करना है, आपके लिए निश्चित है, वो आपके लिए क्या है, आपको करना ही करना है, मैंडेटरी है। तो यह पाठ्यक्रम इस प्रकार की जो कि बच्चों को करना ही, उसे हम को करिकुलम कहते हैं। और इंटीग्रेटेड मतलब एकाकृत करिकुलम की बात करें, एकाकृत करिकुलम भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि ये सुसंबंध, मतलब एकाकृत मतलब इंटीग्रेटेड, कई विषयों को मिला के एक इंटीग्रेटेड एकाकृत करिकुलम बनाना, इस प्रकार के पाठ्यक्रम को एकाकृत करिकुलम कहते हैं। दोस्तों ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस नाम को आप ध्यान में रखिए और एक बार आप इसको अपने से पढ़िए और इसको एक्सप्लेन करते हुए चलिएगा, हमने थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। और नाम ऐसा है कि जिसको समझ के, जिसको आपको सुन के ही आपको बहुत हद तक अंदाजा हो जाएगा कि इसमें किसके बारे में कही जा रही है, किसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये कई बार इससे भी आपके पाठ्यक्रम के प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, अगर आप 15 नंबर में पूछते हैं तो आप थोड़ा सा एक काम करिएगा, इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। बाकी अब हम आ जाते हैं कि पाठ्यक्रम की उपयोगिता क्या होती है, यूटिलिटी क्या होती है। अब दोस्तों इसके बाद जो भी पॉइंट्स आएंगे ना वो बहुत आसान है, आप उसको आसानी से लिखते हुए जाएंगे क्योंकि वो सीधे बस समझ गए हैं। तो जैसे कि छात्रों का सर्वांगीण विकास, पाठ्यक्रम का उपयोगिता क्या है भाई, यूटिलिटी क्या है कि भाई छात्रों का विकास हो, ठीक है। सभ्यता व संस्कृति का स्थानांतरण एवं उसका विकास करना, ठीक है। बालक का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना, बालक की मानसिक शक्तियों का विकास करना, बालक की रचनात्मक और सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, क्रिएटिविटी को विकास करना, क्रिएटिविटी डेवलपमेंट करना बच्चों के अंदर, हमें ये क्या होता है, ये पाठ्यक्रम का एक महत्व होता है, पाठ्यक्रम की एक यूटिलिटी उपयोग होता है। समझ में आ रही बात, बहुत से बस इसी ऐसी प्रकार से आपको लिखते हुए चलना है, इसमें कोई ऐसा नया नहीं है कि आपको पढ़ना है, जो आपने समझा बस उसी को लिखिए। पहला क्या, सार्वजनिक विकास, उनके संस्कृति का विकास और स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, जैसे हमारे पूर्वजों की संस्कृति क्या थी, अभी की संस्कृति क्या है, एक तरह से ट्रांसफ़र करना, उनकी नैतिकता, सत्य बोलना, सच्चा बोलना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, अहिंसा का पालन करना, सत्य के मार्ग पर चलना, इस तरीके के नैतिक और उनके चरित्र का निर्माण करना और उनकी मानसिक शक्तियों का, अच्छा सोच सके, क्रिएटिव बन सके, तो इस तरीके का आपको क्या करना है, उनके अंदर टैलेंट का निर्माण करना है। गतिशील एवं लचीले मस्तिष्क का निर्माण, गतिशील का मतलब वो हमेशा कुछ सोचे, कुछ आगे की तरफ चले, और लचीले का मतलब ऐसा ना हो कि किसी चीज़ को लेकर बहुत रूढ़ हो जाए, मतलब यू नो एक चीज़ आप होता है कट्टरपंथ, तो इस तरीके का आपको नहीं होना है, थोड़ा लचीला होना है, जैसे कि क्या कहते हैं, कोऑपरेशन करना, कोऑर्डिनेशन करना, समन्वय स्थापित करना, ये तभी संभव है जब आपका दिमाग क्या है, लचीला हो, ठीक है, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल हो कि ठीक है भैया हमें उनको भी सुनना है, उनको भी समझना है, उनके साथ समन्वय स्थापित करके चलना है। खोज की प्रवृत्ति, ठीक है,
ये पाठ्यक्रम का क्या है उद्देश्य भाई, पाठ्यक्रम का महत्व है कि आपको ऐसे पाठ्यक्रम रखना है कि बच्चों के अंदर खोज की प्रवृत्ति हो, बालक अपने भावी जीवन के लिए तैयार हो सके, शैक्षिक प्रक्रियाओं का स्वरूप निर्धारण करना और बालक की क्षमता योग्यता एवं रुचियों के विकास करना। तो ये सारी चीज़ें क्या है भाई, यूटिलिटी है आपके करिकुलम की, आपके पाठ्यक्रम की। समझ आ रही है, समझ आ रही है, नहीं आ रही है दोस्तों? अगर आ रही हो तो ज़रा वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आ रही हो तो, और अगर नहीं जुड़ा चैनल से तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी तक इतना लंबा वीडियो हो गया, मैंने इस चीज़ को नहीं कहा था, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैंने इतना काम तो कर दिया कि आपसे एक बार कह सकूं कि अगर पसंद आ रही हो तब ठीक है तो कर दीजिएगा, और जब से वीडियो समाप्त होगी आप दूसरों तक शेयर कर लीजिएगा। फिलहाल आप इस चीज़ को देख लीजिए कि पाठ्यक्रम का क्षेत्र क्या होता है। पाठ्यक्रम के क्षेत्र की बात करें तो पाठ्यक्रम क्षेत्र व्यापक होते हैं, इसे इस रूप से देखा जा सकता है, ठीक है, किस रूप से देखा जा सकता है कि एक अच्छा पाठ्यक्रम अनुभव की संपूर्णता प्रदान करता है, एक अच्छा पाठ्यक्रम गतिशील होता है, और अच्छा पाठ्यक्रम के विभिन्न के तर्क होते हैं, और पाठ्यक्रम संतुलित व्यक्ति का विकास करने के लिए सहायक होता है। ये वास्तव में एक हम पाठ्यक्रम की विशेषता की बात कर गए कि पाठ्यक्रम की विशेषताओं के बारे में बात हो गई, इसके क्षेत्र के बारे में हम नहीं कह सकते, क्योंकि पाठ्यक्रम का क्षेत्र क्या, हर एक क्षेत्र में पाठ्यक्रम का की ज़रूरत है, ठीक है। बच्चा स्कूल में आता कब है, जाता कब है, स्कूल के अंतर्गत क्या करता है, पूरे स्कूल में क्या करता है, क्लासरूम में क्या करता है, स्कूल से जाने के बाद उसको कौन कौन से कार्य करना, ये समस्त पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ जाती है, तो इसका क्षेत्र बड़ा ही विस्तृत है। अगर विशेषताओं की बात करें तो इसमें पॉइंट्स में आ सकते हैं। अब एक और पॉइंट आपका बचा होगा, पाठ्यक्रम का महत्व। देखिए पाठ्यक्रम का महत्व भी बहुत सिमिलर है उसकी यूटिलिटी से, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख लेंगे इस पॉइंट को, उसके बाद हम लास्ट पॉइंट आपके चलेंगे, जैसे कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है पाठ्यक्रम, ठीक है। शिक्षण सामग्री निर्धारण करने में कि कौन कौन से बुक्स लगेगा, कौन कौन सा आपके प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट क्या क्या लगेंगे, तो शिक्षण सामग्री के निर्धारण में, शिक्षण विधियों के निर्धारण में किस मेथड से पढ़ाना है, विशेष सामग्री विभाजन के रूप में, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास, ये सारी चीज़ें क्या हैं, वही है ना तत्कालीन घटना। तो ये क्या है, पाठ्यक्रम का महत्व। ये सारी चीज़ें ऐसे पॉइंट है जिसको आपको करना है, ठीक है, इसमें कोई नया नहीं है, आप यूटिलिटी से ही हम इसको समझ सकते हैं। अब आपके पाठ्यक्रम, आपके जो मैंने आपको यूनिट दिखाया उसमें से पाठ्यक्रम से संबंधित जितने भी सवाल आपसे अब तक पूछे गए थे वो सारी चीज़ें हो गई। अब एक और सवाल आप जब आप देख लेंगे तो आपका ये पूरा चौथा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब वो क्या है, वो है दोस्तों पाठ्य पुस्तकों की विशेषता। ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है, और ये जब सवाल पूछेगा तो सिंपल ही पूछ देगा 8 नंबर में कि एक अच्छे पाठ्य पुस्तक की स्पेशलिटीज़ या फिर कभी कभी विशेषता पूछ दे, कैरेक्टरिस्टिक्स कह देगा। बात वही है कि एक अच्छा पाठ्य पुस्तक कैसा होना चाहिए, ठीक है, अच्छा पाठ्य पुस्तक। वैसे तो सारी पाठ्य पुस्तकें अच्छी होती है, मगर फिर भी कहा जाता है कि इस प्रकार के पाठ्य पुस्तक, अगर आप कभी पाठ्य पुस्तक लिखना चाहते हैं तो आप कैसे लिखेंगे। तो एक अच्छे पाठ्य पुस्तक की अगर विशेषता की बात करें तो पुस्तक मनोवैज्ञानिक शैली में लिखी होनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक शैली का मतलब, मनोविज्ञान कहते हैं मन के विज्ञान को, जो आपको मन को पढ़ ले, तो मतलब एक ऐसा पाठ्यक्रम इस शैली में लिखी हो कि आपको मन को लगे, कि मतलब आपको लगे कि वाह, एक सस्पेंस क्रिएट करके, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पाठ्यक्रम, आपकी पाठ्य पुस्तक लिखी होनी चाहिए। अब मैं आपको क्वालिटीज़ बता रहा हूँ, आप अपनी तरफ से भी क्वालिटीज़ उसमें ऐड कर सकते हैं चाहें तो, क्योंकि एक अच्छा पुस्तक कैसा होना चाहिए भाई, उसमें लेखन अनुभव की प्राप्त व्यक्ति होने, जो लिखे वो अनुभवी व्यक्ति हो, ठीक है, जो पाठ्यक्रम, जो पाठ्य पुस्तक लिख रहा है, जो किताब लिख रहा है वो अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो, तभी तो वो बेहतर लिख पाएगा। पुस्तक महंगा भी नहीं हो, उचित मूल्य हो, ठीक है। पुस्तक की सूची अंतर्गत अनुक्रमणिका हो, पुस्तक की विषय सूची और अंत में अनुक्रम, मतलब एक क्रम से चले, एक विषय सूची हो, एक क्रम से चले। पुस्तक देखने में सुंदर हो, सुग्रह हो, पुस्तक की छपाई आवश्यक रूप से स्पष्ट हो, पुस्तक में चित्र, रेखाचित्र, ग्राफ, मानचित्र, उदाहरण अधिक एवं बालकों के स्तर के अनुसार अनुकूल होना चाहिए, मतलब इन सारी चीज़ों का भी प्रयोग होना चाहिए, तभी तो पुस्तकें अच्छी लगेंगी। बिल्कुल, तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं, ठीक। जैसे पुस्तक में चित्र अधिक स्पष्ट तथा रंगीन होने चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा साफ होगा, रंग में होगा तो बच्चों को भी इंटरेस्ट आएगा, देखने में मज़ा आएगा। पाठ्य पुस्तक में पाठ्यक्रम में सभी अंगों का विवेचना भली बात किया हो, ऐसा नहीं हो कि आप ऐसे बुक लेते हैं जो आपके करिकुलम में जो चीज़ें हैं वो उसमें शामिल ना हो, तो नहीं, जो सारी चीज़ें हैं वो भी शामिल होने चाहिए। प्रश्न वैज्ञानिक रूप से सत्य तथा तकनीकी दृष्टि से शुद्ध होने चाहिए। पुस्तकों के अंत में छात्र को क्रियात्मक कार्य के लिए सुझाव प्रस्तुत किए गए हों, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा दिया भाई, अब कोई सवाल भी पूछेंगे, एक्टिविटीज़ भी देंगे, उनको होमवर्क भी देंगे, तभी तो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे। बुक की साइज़ और शेप अच्छी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि पतला कर दें और खूब लंबा कर दें, पता चले कि हम ऐसे ले कर, तो साइज़ और शेप भी अच्छा होना चाहिए, या फिर खूब चौड़ा कर दें और मोटा कर दें, नहीं, साइज़ और शेप भी अच्छा होना चाहिए। समय समय पर आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तक आसानी से छात्रों को उपलब्ध होना चाहिए, या फिर मान लीजिए हमने ऐसा पाठ्यक्रम बना दिया
ऐसा सॉरी हमने किताब छाप दिया कि लखनऊ का बच्चा उसको ख़रीदने के लिए दिल्ली जाए या फिर अयोध्या का बच्चा उसको ख़रीदने के लिए जयपुर राजस्थान जाए, नहीं तो आसानी से अवेलेबल भी होना चाहिए। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषताओं के अंतर्गत ये चार चीज़ें आती हैं, ठीक है। ये तो बस आपको खुद समझ सकते हैं। तो पाठ्यपुस्तक में योजना सामग्री कार्य कार्य कक्षा कार्य तथा विषय से संबंधित प्रयोगात्मक कार्य के लिए सुझाव होने चाहिए, जैसा कि बात किया गया। पुस्तक में विधियों तथा छात्रों में पर्याप्त अभ्यास पर बल दिया जाना चाहिए। सरल से कठिन हाँ, पाठ्यपुस्तक की एक क्वालिटी होती है कि वो सरल से कठिन की तरफ जाए, डिडक्टिव मेथड, पहले आसान फिर आसान से धीरे 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 आपको स्पेसिफिक की तरफ जाए, मतलब सरल से कठिन की तरफ जाए, ताकि बच्चों को लगे अच्छा ये आसान है, आसान, धीरे धीरे उनको कठिन वाले भी सवाल आएंगे कि होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक कक्षा विशेष के लिए निर्धारित उद्देश्यों के अनुकूल होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में सामग्री का आयोजन मनोवैज्ञानिक व तार्किक होना चाहिए और विषय संबंधित विभिन्न क्रियाओं के लिए संकेत होना चाहिए। तो ये हो गई दोस्तों आपके पाठ्य पुस्तक की विशेषताएँ, एक अच्छे पाठ्य पुस्तक की विशेषताएँ, आप सब भी बहुत ही आसानी से इन चीज़ों को कर लेंगे, ठीक है, कर लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका ये जो यूनिट था बच्चों यहाँ पे ये समाप्त होता है। अब इसमें आपने क्या क्या देखा, आइए ज़रा एक नज़र उस पर डाल लेते हैं, फिर इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे और अगले एक वीडियो में आपके कंप्लीट एक और यूनिट को हम डिस्कस करेंगे। इस तरीके से आपके इस बैच को आपके लिए पूरा हम यहाँ पे लेक्चर्स वीडियोस लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले देख लेते हैं आपके यूनिट को, हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिविज़न कर लेते हैं। ये था आपका चौथा यूनिट, ठीक है, चौथा यूनिट आपका ये रहा और हमने इसमें क्या देखा है, हमने इसमें देखा है बच्चों आपके सारे जो भी सवाल थे, जैसे कि आप पाठ्यक्रम के बारे में कॉन्सेप्ट, इसकी जो अर्थ परिभाषा था वो आप देख लिए, इसके उद्देश्य आपने यूटिलिटी पढ़ा, आपका इसका महत्व पढ़ा, इसके टाइप्स में भी आपने देखा, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन मैंने इसलिए एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि कई बार ये सवाल पूछता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेक्स्ट बुक आपने ये भी देख लिया। तो इस तरीके से आपका चौथा यूनिट बच्चों यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है कि नहीं होता है, बहुत मेरा खुद का अनुभव है बच्चों। आप जब देखिए ना, आप अनसॉल्व देखिए, पिछले 6-7 साल के प्रश्न पत्र देखिए, इससे बाहर का कुछ नहीं आ रहा है। आप एग्जाम दीजिए, एग्जाम देने के बाद आप ज़रूर मुझे फीडबैक दे सकते हैं। अभी आपकी ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई, ये वाली यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम सोच रहे हैं तीसरे वाले को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि तीसरा थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ठीक है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, कोई बात नहीं, हम इसको भी कंप्लीट करेंगे अगले वीडियो में। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगले वीडियो में एक कंप्लीट आपके दूसरे यूनिट के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, सेल्फ स्टडी जरूर करिए, इसका वीडियो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप उसको डाउनलोड करिए, सेल्फ नोट्स आप ज़रूर बनाइएगा, एक बार आप जो लिख लेंगे वही आपके एग्जाम्स में काम आएगा, ज़रूर लिखिए, ठीक है, ज़रूर लिखिए, ज़रूर लिखिए, ज़रूर लिखिए। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। नहीं जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस वीडियो को, और आपके विश्वविद्यालय के लिए मैं अगर इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके कोर्सेज के लिए, इसके पीछे वजह यह है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि कॉलेज रेगुलर नहीं जा पाते, तो उन तक भी पढ़ाई पहुँच जाए, वो भी पढ़ते रहें, उनके अंदर भी सिलेबस का अपडेट रहे, एग्ज़ाम्स में अच्छी तैयारी हो जाए, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के मैं ये सारे लेक्चर्स लेके आता हूँ। तो भेजिए अपने दोस्तों तक, भेजिए इन सारे वीडियोस के लिंक को, भेजिए अपने दोस्त कॉलेज ग्रुप में, जो भी है कॉलेज ग्रुप में डाल दीजिए कॉपी पेस्ट करके, और उनको कहिए सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, अगर कहाँ हैं अभी तक नहीं जुड़े हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगले यूनिट के साथ, जय हिंद जय भारत दोस्तों।